जयपुर हाइब्रिड लैब 2016 डे एंड नाइट जो कि हमें सजेस्ट किया है सिद्धार्थ लवानिया ने और वो जयपुर से ही है तो हमें वीडियो सजेस्ट की हमारे चैनल तो थैंक यू सो मच आपने और हमने जयपुर का अभी तक टाइम हाइपर लैब ऐसा देखा नहीं और जब हमने चैनल स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट तो हमने शुरू में सिटीज के बहुत सारे रिएक्शन वो बहुत पहले के बहुत पहले आप कर रहे होंगे उसमें मुंबई है उसमें दिल्ली है उसमें मतलब लेकिन वो लाइनअप हम लोग रखते हैं एक के बाद एक सब लिंक सेव हुए वो होता रहेगा एक के बाद एक देखो ट्रेंडिंग वीडियोस भी साथ साथ चलती रहेंगी और उसके साथ साथ एक दो वाली वीडियोस भी डेली आती रहेगी तो चल के देखते हैं पहले ये वीडियो फिर करते हैं बातें हैं प्ले जयपुर ओए ओए एक से लगा अच्छा है सर यह अच्छा लगता है ना यहाँ पर लेफ्ट हाँ खूबसूरत है मंदिर मंदिर से क्या ही है नहीं मंदिर मंदिर है दोनों ही जैसे लगते हैं मुझे जो भी बड़ा खूबसूरत है यार ये कितना अच्छा है ये किला है इसका नाम याद नहीं आ रहा ये ओए ओए बड़ा है भाई बहुत बहुत अच्छा है जयपुर का नाम सुनके भी कुछ होता है ना हाँ यार अच्छा का फील आ रहा है कोई जयपुर कोई मेरे ख्याल से पिंक सिटी का कुछ भी कहते हैं इस तरह का एक वर्ड नाम है वही कहते हैं पिंक सिटी हाँ हम कर चुके हैं ऐसा कुछ है अच्छे खासे लोग हैं देखो ट्रैफिक खूब है बहुत जबरदस्त है बहुत ओल्ड और वैसा लग रहा है मतलब ये पक्की जिसने वीडियो बनाई है ना बड़ी पक्की बनाई हर जगह दिखा रहा है वो अच्छी वीडियो से जैसे की भाई ओए होए इतना अच्छा लग रहा है यार वो ये मैंने उसमें देखा है कसम से गंगा के पास शायद इधर बहुत सारी इधर बहुत सारी पता है वो मूवीज भी शूट हुई होंगी यार यार ऐसी जगह जाने का बड़ा शौक है मुझे ये देखो ओए यार बहुत जबरदस्त वो जो जगह दिखाई वो जोश मूवी चारों पांच की उसमें वहां की वो जगह दिखाई क्या कलर्स है ना काम देखो यार का काम ओए होए अच्छी शूट किया है बहुत अच्छी शूट किया सॉल्ट माइन जैसा लग रहा है भाई भाई ये किला है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा इसकी बहुत अच्छी लोग आगे कमेंट में बता देंगे चार या सात दीवारें हैं तो इस तरह का कुछ करके बड़ी मशहूर है इसकी
तो मुझे तो भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी, और जिस बंदे ने भी बनाई है ना, एक तो पहली बार बहुत ही खूबसूरत बनाई है, बहुत कमाल बनाई है, बहुत सेंस से बनाई है, हर जगह डिटेलिंग में दिखाई गई कि भाई ये अच्छा। बस ये है कि और जिसने सजेस्ट किए ना, उस बंदे ने बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट किए, और इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी रेयर जगह देखी थी, शायद हम लोग मूवीज में भी देखते हुए और साथ में अपनी मूवीज भी हुई होंगी, मुझे कम से कम देख के क्रेविंग हुई। मैंने बोला यार ये जगह मुझे देखने का बड़ा शौक है, और यहाँ पे आप वीडियोस कर सकते हो, यहाँ पे आप फोटोशूट कर सकते हो, यहाँ पे आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, पूरी मूवी हो सकती है। तो ऐसी जगह पे जाने का मुझे बहुत शौक है, और जयपुर का नाम सुनिए ना कुछ, अच्छा जयपुर का नाम सुनिए, जैसे वो चलता है ना कि जयपुर का नाम सुनते आपके दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों जलेबी आती है, कसम से मुझे नहीं पता क्यों आती है, पर जयपुर का नाम सुनिए मेरे दिमाग में जलेबी आती है, क्यों आती है नहीं पता, ये वैसे ही है पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, मुझे बताना मेरे दिमाग में क्यों आता है जयपुर का, मेरे दिमाग में जो आता है ना वो जयपुर का राजस्थानी जो ड्रेस होता है वो आता है मेरे दिमाग में फौरन जयपुर का, क्योंकि राजस्थान जो है जयपुर से करीब ही, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। नहीं मुझे आप लोग नीचे जाके ये जरूर बताएगा कि मेरे दिमाग में जयपुर का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज जलेबी क्यों आती है, आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे, और हो सकता है कोई इस बात से कनेक्शन निकल आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे इस बात का जरूर जवाब, बाजिब ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, और जयपुर बहुत मतलब अच्छा था, इंटरेस्टिंग वर्ड है, जयपुर की जो स्वीट्स है जो फेमस है उसमें है फेनी, फेनी और दिल पत्ती चूरमा, घेवर, इमरती, इमरती, बहुत पसंद है मुझे इमरती, गुलाब जामुन और दूध के लड्डू, और भी बहुत सारी, यानी स्वीट डिश से कोई है इसका कनेक्शन, तो लास्ट के मतलब मीठा है, सीरियसली मुझे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है ऐसा, ना मैंने कभी कुछ ऐसा वो किया है कि शायद पढ़ा हो या कुछ हो, नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों जयपुर से जलेबी आती है, तो इमरती है इसने बताया मुझे, पता नहीं आप लोग लेकिन ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और जो एक बात और बताना चाहूँ, जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ी ने एक जिक्र किया वीडियो चलते चलते, शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि पिंक सिटी का उन्होंने जिक्र किया, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसका हम उसमें वीडियो करते हैं, वही मैं सर्च कर रहा था गूगल पे कि क्या वो सही है, अभी वो सही, आप सही है भाई, पिंक सिटी भी कहा जाता है, और जयपुर जो कि राजस्थान का कैपिटल है, और बहुत उसमें जो सारी जगहें दिखाई हैं, और बहुत वो कदीम मतलब ओल्ड जगहें थी जहाँ पे मैंने देखा है कई मूवीज के अंदर भी कि वहाँ पे मूवीज भी शूट हुई हैं सब, और क्योंकि तो ये एक ऐसी जगह है जब भी मतलब हम इंडिया विजिट करें तो जयपुर जरूर जाएंगे, और सिद्धार्थ लवानिया जो हमारे फ्रेंड हैं तो वो हमें जरूर ये सारी जगहें घुमाएंगे, और आप लोग जरूर नीचे कॉमेंट करके बताइएगा जो जो प्लेसेस हमने देखी है इसमें वो कौन कौन सी हैं, और मतलब क्या उसके क्या बोलेंगे उसको, उसकी खासियत क्या है, और क्या जगह है, क्या है, लोग क्यों जाते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसको हम लोग बोला यार नहीं वो मंदिर है, नहीं वो मंदिर लग रहा है, तो ऐसा मोस्ट ऑफ हम नहीं समझ पाए, जाहिर सी बात है हमें उसके जगह पर लैंड में, मैं आपको बताऊं वो जो हमने लास्ट वाला देखा जो बिल्कुल कलरफुल एक प्लेस दिखाया, वो किला है वहाँ पे मस्जिद भी बनी है और बराबर मंदिर भी बना हुआ है उसके अंदर, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और बड़ा अच्छा वहाँ पे निजाम है, और वहाँ के जो मतलब जो नेता होते हैं उन्होंने इन जगहों को बड़ा संभाल के रखा हुआ है, और जो भी वहाँ उस वहाँ का जो भी नेता बनता है वो इन चीज़ों पे लाजमी काम करते हैं ताकि वो लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पे बड़ा अच्छा एक माहौल बनता है। नहीं बहुत अच्छी जगह है, मतलब मैं भी चाहूँगा कि जो भी मैंने इस जगह पे मतलब इस वीडियो में जो जो चीज़ें देखी, तो जयपुर जब विजिट करेंगे तो जरूर वहाँ पे मैं जाना पसंद करूँगा, मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पर वो जो खानदानी इलाका है यार, अच्छा ऐसे और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे रोज रिएक्शन जाना वहाँ पहले तो करना फॉलो, अच्छी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं और साथ में कर सकते हैं सारी बातें, और आप जल्दी अगर आपकी अपनी वीडियो को हम तक पहुंचाना है तो वो कमेंट करने से अच्छा है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज दो, वहाँ जल्दी हम लोगों को मिल जाती है,
तो प्लीज सो यू गाइस आर वाचिंग ब्रो रिएक्शन। माय नेम इज कासिम, इज ऑन द स्क्रीन, इज दिस मुकाबला। गुड बाय।